खबर जैसलमेर से। पिछले समय में जिले में बढ़ रहे अत्याचारों को लेकर भीम आर्मी जिला अध्यक्ष हरीश इनखीज के नेतृत्व में एडीएम से मिला। प्रतिनिधित्व मंडल संगठन के अल्टीमेट के बाद कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस प्रशासन ने शुरू से ही मुख्य गेट पर बंद कर पुलिस जवान खड़े रहे, जिस पर प्रतिनिधि मंडल के अलावा प्रदर्शनकारी बाहर ही रहे मौजूद। प्रशासन की पैन नजर को देखते हुए कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंस व मास्क का ध्यान रखते हुए गाइडलाइन की पालना करते हुए दिखे। इनाखिया द्वारा एजीएम को कार्रवाई सही नहीं होने के कारण पूछने पर एडीएम द्वारा गुस्सा जताते हुए प्रदर्शन में ज्यादा भीड़ करने पर बहस करते कार्यकर्ताओं को बकाने लगाने शुरू कर दिए। प्रतिनिधि मंडल को संतोषजनक जवाब नहीं मिला, जिसकी कवरेज कर रहे मीडिया कर्मी को अंदर की कवरेज के लिए रोका गया। देश व प्रदेश में बढ़ रही महंगाई को लेकर भीम आर्मी ने प्रदेश में धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपे। आज जैसलमेर में भी भीम आर्मी कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन किया गया। जिले में दलितों पर बढ़ रहे अत्याचार को लेकर भीम आर्मी सहित अन्य दर्जन भर संगठनों ने न्याय की गुहार लगाते हुए अल्टीमेट भी दिए, पर भीम आर्मी का कहना है कि जांच कार्रवाई जिस गति से चलनी चाहिए उस गति से चल रही है, जिस पर एजीएम साहब से मुलाकात की पर संतुष्टजनक जवाब नहीं मिला, जिसको लेकर प्रदेश स्तरीय कमेटी के ध्यान में लाकर प्रदेश स्तरीय न्याय की गुहार हेतु विरोध प्रदर्शन के लिए प्रदेश कमेटी के विचार विमर्श किया जाएगा। इस समय कार्यक्रम में फतेहगढ़ अध्यक्ष डूंगर जयपाल हैदर खान सहित कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। तथा ऐसी ऐसी महिलाओं पर भी अत्याचार हो रहे हैं, उन पर कोई भी जल्द सुनवाई नहीं हो रही है। जो मुकदमे दर्ज होते हैं वो थाने तक ही सीमित रहते हैं, उनमें जो मूल जो कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही। आज इसी महामारी के दौर में आज यहाँ तक हमें उतरना पड़ रहा है, ये ज्ञापन देना पड़ रहा है। अगर इस कार्य को सही पद्धति द्वारा किया जाए तो हमें ये ज्ञापन देने की आवश्यकता नहीं है। जो भीम आर्मी और समाज भीम आर्मी द्वारा जो ज्ञापन दिया जा रहा है, उसका मेन मुद्दा ये है कि केंद्र सरकार में पेट्रोल की दरें बढ़ रही है, जो महंगाई की दरें बढ़ रही है, इसमें इसका जो जो सीधा इफेक्ट पड़ता है वो आम आदमी की पॉकेट पे पड़ता है, और ऊपर से ना ही जो ये महंगाई की दरें का आम आदमी की जो लियाड़ी है उस पर इफेक्ट पड़ रहा है। लोगों का घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है, एक आम आदमी के लिए इस महंगाई में कुछ भी खरीदना बहुत इम्पॉसिबल है, उनके जो जरूरत की चीज़ें वो नहीं ले पाते। और ICST के जो भी मुकदमे जो थाने में जो दर्ज कराया गया उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, इसलिए आज हमने जिला कलेक्टर महोदय से जो ये ज्ञापन दिया है। हम ये आशा करते हैं कि महोदय से कि आप जो भी कार्रवाई करोगे वो जनता के हित में करोगे, भीम आदमी आजाद समाज पार्टी के हित में करेंगे, हम इसी आशा के साथ आपसे ये अपेक्षा करते हैं। महिलाओं की जो सुरक्षा है उसको लेकर, जो महिलाओं के अत्याचार बढ़ रहे हैं उसको लेकर जो है जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया है, साथ ही जो बढ़ती हुई महंगाई है उसको लेकर भी जो है यहाँ भीम आर्मी ने जो है जिला कलेक्ट्रेट में आकर आज जो है यहाँ पर ज्ञापन देने की कोशिश की, और ये आशा जताई है कि आने वाले समय में जो है दर्ज